पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है, आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं, देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले तीन चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? तीन चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में तीन में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए।